ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। प्रस्तुत है श्रृंखला नटरंग। संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रोताओं, आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला नटरंग। इस श्रृंखला में नट के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की जा रही है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक बबन राव हरदनकर ये जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार श्रोताओं, और आज बारी है, आज हम केदार नट पर विचार करेंगे। इस राग को कोई लोग नट केदार भी कहते हैं। कुछ विद्वानों की विचारधारा यह है कि केदार नट में नट का अंग प्रमुख है और केदार अंग गौण है। इसके विपरीत नट केदार में केदार अंग प्रमुख है और नट अंग गौण है। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस प्रमुख राग को नट जुड़ा हुआ रहता है, वह राग ऐसे जोड़ राग में हमेशा प्रबल रहता है, जैसे हमने देखा नट बिलावल, नट बिहाग और नट भैरव में। अब इस राग का नाम केदार नट रखने से यह स्थिति में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। केदार राग प्रमुख होने के कारण इस राग में केदार ही प्रबल रहता है। इस राग का नाम केदार नट क्यों न हो, ऐसा देखा जाए तो जोड़ रागों में उनके क्रम से उनका महत्व जांचना हानिकारक है। जैसे काफी कन्नड़ा, जिसमें अपेक्षा है कन्नड़ा अंग प्रमुख होने की, लेकिन प्रमुख अंग है काफी। हमारे बुजुर्गों ने जोड़ रागों के नामकरण करने समय राग नाम के उच्चारण की नाद मधुरता उसका भी विचार किया है। काफी कन्नड़ा में काफी अंग प्रमुख क्यों न हो, इस जोड़ राग का उच्चारण कन्नड़ा काफी या खचित नाद मधुर नहीं है, इसलिए नाम काफी कन्नड़ा रखा गया होगा। लेकिन प्रस्तुत जोड़ राग में रागों का किसी भी तरह से क्रम रखा जाए, इसके उच्चारण की नाद मधुरता को कोई हानि नहीं पहुँचती है। जैसे इसलिए केदार नट या नट केदार कहा जाए, वस्तु स्थिति में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अस्तु, अब हम इस जोड़ राग का चलन देखने से पहले केवल केदार का चलन सुनेंगे। आरो इस प्रकार है। अब हम केदार नट का चलन देखेंगे। इसमें नट होने के कारण सारे रेगा ये स्वरावली हमेशा आती है। देखिए,
यह भी चलन है। इस जोड़ राग का वादी म और संवादी तारसा है और गाने का समय रात का दूसरा प्रहर है। अब इसका बड़ा ख्याल मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जो ताल झूमरा में निबद्ध है। विभो जी, आज झूमरा के ठेका जरा आप बजा के सुनवाइए। ये ताल विलंबित झूमरा है, इसमें ताली तीन आती है, एक, चार और ग्यारह, खाली आठवीं मात्र पे हैं, और विभाग तीन चार ऐसे इसके चार विभाग आते हैं। बोल है धेन हा तीर केट धेन धेन धा धागे तीर केट धेन ता तीर केट धेन धेन धा तीर केट धेन। बहुत अच्छा, मैं विभव जी से विनती करता हूँ कि वो झुमरा में कुछ बोल बजाए। धेन धेन धा तीर केट धेन धेन धा आगे तीर केट तिन धा तीर केट धेन धेन धा आगे तीर केट धेन धा तीर केट धेन धेन धा आगे तीर केट तिन धा तीर केट धेन धेन धा आगे तीर केट धेन धा तीर केट धेन धेन धा आगे तीर केट तिन धा तीर केट धेन धेन धा आगे तीर केट धेन जन दे गे अपने बाल में को वे जो बहुत थे मन जाने न दे होंगे अपने बाल में को वे जो बहुत ठड़ मन ye ho gi hai ye bane
Joy, joy, gay. श्रृंखला नटरंग की ये थी पांचवी कड़ी। प्रख्यात शास्त्रीय गायक बबन राव हरदनकर ने राग नट केदार की जानकारी दी और उनका गायन भी हमने सुना। संगति कलाकार थे हारमोनियम पर गुरुदत्त हेवड़ेकर और तबले पर विभव नागेशकर। कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया दिनेश दाभोलकर ने। प्रस्तुति सहयोग परिणीता नाइक का था। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। Na 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 na